हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेतल पोंदा और हेतल पोंदा की हिचकी में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ अक्षर बीच, जो मलाड के ही एरिया में आता है और ये मलाड का फेमस बीच है। अक्षर बीच आने के लिए आपको मलाड से बस भी मिल सकती है, आप प्राइड व्हीकल से भी आ सकते हैं और फिर रिक्शा भी ले सकते हैं। आपको मारवे रोड से सीधा आना होगा, फिर वहाँ से आपको दो रोड जाता है, एक जाता है मारवे बीच की ओर, दूसरा जाता है अक्षर बीच की ओर। अक्षर बीच की ओर आने के लिए आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा, तो वहाँ आगे आते ही आपको ये अक्षर बीच दिख जाएगा। ये यहाँ का फेमस बीच है। जैसे ही आप अक्षर बीच के अंदर आ जाएंगे, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि कितने सारे यहाँ पे स्टॉल है, मेरे पीछे शायद छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। वहाँ पे आप जो चाहे वो खा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गोला मिलता है, नारियल पानी हो गया, फिर भुट्टे हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेंचुरी, बड़ा पाव वगैरह तो मिलते ही हैं। बच्चों के खेलने के लिए सामान भी यहाँ मिलते हैं और उससे भी बच्चे खेल सकते हैं, और बड़े जो है वो बीच में नहाना चाहे तो भी वहाँ जा सकते हैं। देखिए कितनी सारी पब्लिक आई हुई है। मैं भी लॉकडाउन के बाद यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ आज, बिकॉज जब तक लॉकडाउन था हम ऐसे पब्लिक प्लेस पर नहीं आते थे, लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि चलो हमें आना चाहिए, आज एंजॉय करना चाहिए हमारा संडे। सो ये अक्षर बीच है जो मलाड से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। अगर आप आना चाहें तो आप बस से या फिर प्राइवेट रिक्शा से या अपने खुद के व्हीकल से यहाँ आ सकते हैं। चाहे तो पानी में एंजॉय करिए या फिर यहाँ पर रेत पर एंजॉय करिए। सनसेट होने ही वाला है ऑलमोस्ट, सन जो है अभी दिख ही नहीं रहे, यानी कि हो चुका है मान लो, थोड़े ही रहे हैं अभी हमारे सन भी, सूरज दादा और मेरी बेटी फुल ऑन एंजॉय कर रही है अक्षर बीच की। अब दोनों की, यानी हम तीनों की, मेरे हबी की और हम दोनों की फेवरेट प्लेस है। हमें नेचर से रिलेटेड जो प्लेस होती है वो बहुत पसंद है, वहाँ सुकून मिलता है दिल को और वहाँ आके एकदम रिलैक्स फील होता है, मज़ा आता है। लेकिन अभी हम पानी में नहीं जा सकते क्योंकि मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग, तो हम पानी में नहीं जा सकते। हम जब बीच पर घूमने गए थे तब इस दौरान देखिए मेरे हबी ने इतना बड़ा खड्डा खोद के रख दिया है, क्योंकि वो हमारे सामान के लिए यहाँ बैठे थे, वो हमारे साथ नहीं आ पाए। फिर तो देखिए ये उनका भी एक अलग ही टाइम पास है। तो जैसे भी मनोरंजन करना चाहे कर सकते हो, बस आपके लिए अंदर वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। देख लीजिए इनको ही क्रिएटिविटी को, बढ़िया सा टाइम पास मिस्टर पोंदा कर रहे हैं। खड्डा खोद के क्या पता कितना गहरा खोदने वाले हैं मिस्टर पोंदा। कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे टूरिस्ट को? नया काम धंधा आपने सिखा दिया है। हेलो गाइज, आपको और एक चीज़ बता दूँ कि ये जो अक्षर बीच है वो शाम को 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो आपको उससे पहले वहाँ से